साहब सबका फिजिक्स क्लासेज में आज पुनः फिर स्वागत है। आज हम डायोड पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो अपने उसके लिए कुछ फॉर्मूले काम में आएंगे, जैसे अग्रगतिक प्रतिरोध और पश्च गतिक प्रतिरोध। तो अग्रगतिक प्रतिरोध होगा वो आर एफ बराबर है डेल्टा वी एफ अपॉन में डेल्टा आई एफ, और जो पश्च गतिक प्रतिरोध आर आर बराबर होगा वो डेल्टा वी आर अपॉन में डेल्टा आई आर। अब इन पे बेस्ड अपने कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल अपने एग्जांपल थर्ड है जो बुक का, उसमें देखो क्या देखा है कि किसी पीएन संधि डायोड की अगर डीसी कैबिनेटी को 2 वोल्ट से बढ़ाकर 2.5 वोल्ट करने पर अगर धारा का मान 16.5 मिली एम्पियर से 26.5 मिली एम्पियर हो जाता है, इसी डायोड की उत्क्रम अभिनति का मान 5 वोल्ट से 10 वोल्ट करने पर उत्क्रम धारा का मान 20 माइक्रो एम्पियर से 30 माइक्रो एम्पियर हो जाता है, इस डायोड की दोनों स्थितियों में गतिक प्रतिरोध ज्ञात करो। तो पहले अगर 22 अवस्था में जो देर है, जैसे VF1 वोल्टता जो देर की पहले वाली वो 2 वोल्ट, फिर बाद में ये बढ़ाकर VF2 कितनी हुई 2.5 वोल्ट, और इन्हीं के सापेक्ष जो धारा IF1 दो वोल्ट के सापेक्ष है वो 16.5 मिली एम्पियर, जिसे लिखते हैं 16.5 × 10⁻³ एम्पियर। IF2 की वैल्यू दे रखी है 26.5 मिली एम्पियर, जिसे लिखते हैं 26.5 × 10⁻³ एम्पियर। ये वैल्यू जो अपने दे रखी है अगर वैसे अवस्था में के लिए, तो आर एफ बराबर क्या होगा डेल्टा वी एफ अपॉन में डेल्टा आई एफ। तो डेल्टा वी एफ को क्या लिखते हैं VF2 − VF1 अपॉन डेल्टा आई एफ को IF2 − IF1। तो VF2 की वैल्यू कितनी है 2.5, VF1 2, IF2 की वैल्यू है 26.5 और × 10⁻³ माइनस IF1 की वैल्यू है 16.5 × 10⁻³। अब देखो 2.5 में से 2 घटाएंगे तो अपने क्या मिलेगा 0.5 अपॉन ये 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, और 26.5 में से 16.5 को घटाएंगे तो आएगा 10 और × 10⁻³। अब यहां से इसे सोल्व करेंगे तो 10 का 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 10⁻²। ये जो 10⁻²है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻², और 10⁻²का जब 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 50 ओम। तो ये डायोड की अग्रवाइस अवस्था में जो अपने प्रतिरोध मिलता है वो 50 ओम प्राप्त होता है। इसी तरह से अब अपने पश्चवाइस अवस्था के लिए इसके गतिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो पश्चवाइस अवस्था में जो वोल्टता दे रखी है VR1 वो 5 वोल्ट, VR2 की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, इसी तरह से IR1 की वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रो एम्पियर, जिसे लिखते हैं 20 × 10⁻⁶ एम्पियर। IR2 की वैल्यू दे रखी है 30 माइक्रो एम्पियर, जिसे लिखते हैं 30 × 10⁻⁶ एम्पियर। अब यहां से अपने फॉर्मूला क्या है RR का, RR बराबर क्या है डेल्टा VR अपॉन में डेल्टा IR। तो डेल्टा VR को लिखते हैं VR2 − VR1 अपॉन में डेल्टा IR को लिखते हैं IR2 − IR1। VR2 की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस VR1 की 5 अपॉन आएगा IR2 की वैल्यू है 30 और इसकी है
20 और 10 की घात माइनस 6 कॉमन ले लेंगे अपने, तो सीधा लिख दे 30 माइनस 20 क्रॉस 10 की पावर माइनस 6। आर आर बराबर क्या आएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 30 में से 20 गए 10 और 10 की घात माइनस 6 ये साथ में रहेगा। अब यदि अपने 5 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये दो बचे और एक में दो का डिवाइड किया तो 0.5 और 10 की पावर माइनस 6 ओम पर गई तो ये हो गया 10 की पावर प्लस 6 ओम, तो 0.5 गुणा 10 की घात 6 ओम ओम अपने प्रतिरोध प्राप्त होता है, या फिर इसे लिख सकते अपने 0.5 10 की घात 6 को लिख सकते हैं मेगा मेगा ओम प्राप्त होगा पश्च गतिक प्रतिरोध में, 0.5 मेगा ओम प्रतिरोध इसका। तो ये था अपने थर्ड एग्जांपल। अब अपने इसी का फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। देखा है कि किसी पीएन संधि डायोड का अगर अभिनति की स्थिति में गतिक प्रतिरोध ओम है, अग्र अभिनति विभव में कितना परिवर्तन होगा, यदि अगर धारा में अगर धारा में 1 मिली एम्पीयर का परिवर्तन हो जाए। तो देखो अगर अभिनति में जो गतिक प्रतिरोध दे रखा है आर एफ वो दे रखा है 2500, तो इसमें विभव में परिवर्तन पूछ रहा है जबकि धारा में परिवर्तन दे रखा है, डेल्टा आई एफ की वैल्यू दे रखी है 1 मिली एम्पीयर जिसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻³। पूछ क्या रहे हैं डेल्टा वीएफ, तो अपने फॉर्मूला कहता है आर एफ बराबर है डेल्टा वीएफ अपॉन में डेल्टा आईएफ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आर एफ की वैल्यू है 25 और डेल्टा वीएफ वैसे का वैसे, डेल्टा आईएफ की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻³। डेल्टा वी एफ यहाँ से क्या आएगा, 10⁻³ का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 10⁻³ वोल्ट, जिसे लिखते हैं डेल्टा वी एफ बराबर 25 मिली वोल्ट। ये आ गया अपने डेल्टा वी एफ की वैल्यू। अब देखा है जो पाठ्य पुस्तक के आंकिक प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में लगे दोनों डायोडों का अग्र प्रतिरोध पचास ओम है तथा उत्क्रम प्रतिरोध अनंत है
यदि बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है तो 100 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। तो अपने डायग्राम देखे हैं, इसका मान दे रखा है 50 ओम, ये दे रखा है 150 ओम और ये 100 ओम, ये प्लस ये माइनस। तो कह रहा है अगर गति जो अग्रवाही अवस्था में उसमें प्रतिरोध है डायोड का 50 ओम और पक्ष में अनंत है, बैटरी की वोल्टता है 6 वोल्ट, तो 100 ओम प्रतिरोध में, इस 100 ओम प्रतिरोध में जो धारा है उसे ज्ञात करना है। तो देखिए ये डायोड और इस डायोड में से ये वाला डायोड तो अग्रवाइस में और ये पक्ष वाइस में, इसका पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन सिरा नेगेटिव से, ये तो अग्रवाइस में, जबकि इसका एन सिरा पॉजिटिव से और पी सिरा नेगेटिव से, तो ये पक्ष वाइस में हो गया। तो इसका तो प्रतिरोध क्या होगा 50 ओम और इसका अनंत हो जाएगा, तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी नहीं, तो इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, तो इसे अपने क्या कर सकते हैं एक बार नेगलेक्ट कर सकते हैं इसे। यदि इसे अपने नेगलेक्ट करें तो देखें इसका प्रतिरोध हो जाएगा अगर मैं 50 ओम, ये 150 ओम, ये 100, तो ये श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध हो जाएंगे, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा आर इक्विवेलेंट वो क्या होगा, श्रेणी क्रम में हो तो तीनों का योग होगा, तो 50 प्लस 150 प्लस 100 इन्हें जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट मिलेगा 200 और 300 ओम। अब अपने धारा निकालनी है, बैटरी की वोल्टता दे रखी है 6 वोल्ट, तो अपने फॉर्मूला क्या आता है V बराबर है आई आर, मतलब जो R सीधा लिख देते हैं इसे, तो V बराबर आई आर, तो यहाँ से I बराबर क्या आएगा V अपॉन R, I बराबर V की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट और R की दे रखी है 300 ओम, 6 का 300 में डिवाइड 6 में 300 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/50, 1/50 को अपने लिखते हैं 0.02 एम्पियर। तो ये होगी इस डायोड में से प्रवाहित धारा का मान। आज डायोड पे बेस्ड ये 3 न्यूमेरिकल किया, कल इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल और सोल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।